ऑनलाइन कक्षा में मेरे छात्र अध्यापक अध्यापिका को आपका स्वागत है। जैसे पिछली कक्षा में हमने आपको संधि के बारे में बताया था कि संधि क्या होती है, कि दो या दो संधि कुर्बानों के आपस में मिलने से एक परिवर्तन होता है, उनमें बदलाव आ जाता है, उसको संधि कहते हैं। कि जिसमें पहले वर्ण का आखिरी शब्द और दूसरे का वर्तन, इनसे मतलब संधि बनती है। ये संधि के बारे में बताया था आपको, इसके बाद आपको पता चल गया था। लेकिन इसके पश्चात आज हमारा क्या टॉपिक रहेगा कि विषय और हिंदी आपको पता रहिए, विषय हम क्या करेंगे आज आपके सामने कि समास, समास किसे कहते हैं। ये एक बड़ा अच्छा रोचक विषय है, बड़ा सिंपल भाषा में आपको बताया जाएगा और समझ में आ जाएगा कि किसे कहते हैं, इनमें क्या अंतर है, कितने प्रकार के होते हैं, हम आपको बारीकी से बताएंगे। आशा करता हूँ कि आप सभी इसको ध्यान से सुनेंगे। तो हम चलते हैं सर्वप्रथम कि समास, समास का क्या अर्थ है, कि समास का क्या मीनिंग है, इसको पढ़ते हैं। कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, किसका छोटा करना, कि जैसे कि कोई पद ले लिया हमने कि हम उसको छोटा करते हैं, जैसे नीला है जो कमल, ये है हमारे पास, इसका छोटा क्या हो जाएगा, नील कमल। तो ये समास है। तो इसमें हम आपको पहले अर्थ बताते हैं, फिर आपको बताएंगे समास की परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है, मतलब इसकी पहचान क्या है, इस किसे कहते हैं। जैसे कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ये आपको पता चल गया कि एक नवीन मतलब सार्थक मीनिंग हो, इसको अर्थ गर्भित शब्द भी कह सकते हैं, तो निकलता उसको समास कहते हैं। तो इसके अंदर दो बातें मुख्यतः समास के लिए याद करने योग्य होती हैं। इसके दो पद होते हैं, एक तो समास पद, एक समास विग्रह जिसको व्यास भी कहते हैं। कि समास पद इशारा का सारा पद होता है, मतलब ये इसको हम क्या कहेंगे परिभाषा में, समास के नियमों से बना शब्द, जो नियमों से बनता है उसको समास पद, सारा पद बोलते हैं। तो दूसरा हमने आपको बताया कि समास विग्रह करना या व्यास करना, कि जैसे इसको हम क्या कहेंगे समास पदों का अलग अलग किया जाना, कि इसके अंदर कोई इकट्ठा करना है नियमों के मुताबिक, इसमें हम पृथक पृथक करते हैं, इसको हम समास विग्रह कहते हैं। इस विग्रह का उदाहरण है नीला है जो कमल, ये अलग अलग किया हमने, नीला है कमल, नील कमल, ये तो समास पद हो गया, नीलकमल और विग्रह हमारा नीला है कमल, ये आपको सुन में आ गया होगा। तो जैसे बारी आती है समास के प्रकार, इस समास कितने प्रकार के होते हैं। तो जैसे हम प्रथम हमारा क्या है, वैसे कुछ है भेद होते हैं कि प्रथम हमारा क्या है, अब ये भाव समास ये क्या है, इसकी पहचान क्या, किसे कहते हैं, इसके बारे में बताऊंगा। तो अब ये भाव समास पूर्वपद अव्यय तथा प्रधान हो, कि प्रमुखता होती है जैसे इसकी पहचान ये है कि आपको काम से आपको कुछ मिलेगा, अनु मिलेगा या पत्ती है, घर है, रेखा या हर, ये आपको पहचान के अनुरूप है। जैसे प्रतिदिन हो गया, प्रतिदिन अनुरूप भर पेट, इसके बाद हम कहते हैं हाथों हाथ, दिन दिनों दिन, रातों रात, ये मतलब इसके ये है पहचान है। तो इसको बोलेंगे अविभाव समास, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरी बार हमारी याद क्या भी है कि तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास की परिभाषा क्या बनेगी, कि जो पूर्व पद है उत्तर पद है दोनों में क्या है कि कारक चिन्ह मिलेगा, कारक मतलब जैसे कारक को पता समझने का क्या होता है कि वाक्य में किस पद की प्रधानता है, किस नियोजन से मतलब ये पद प्रयोग किए गए हैं, ये जो भी भक्ति सेना होते हैं उसको जैसे करता नहीं कर्म को अपने बड़ा है, तो ये प्रमुख रहेगा। जैसे कर्म है, करण है, संप्रदान, सत्पुरुष, अपाकर्म, ये तो इसमें क्या है, जैसे कि कर्म, जैसे हम क्या करें इसमें कि जैसे कर्म, कर्म को होता है जैसे यश को प्राप्त, कर्म याद रहेगा। जैसे कर्म पद से दलित, ये पद से दलित हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं कि जैसे इसमें हम पढ़ते हैं ना कि
दशा बदल कर रहे हैं, कोई चीज अलग बना, ये जैसे आप बीती आप बीती है ये हो जाएगा। जैसे हम संप्रदान विष्णुवर्धक के लिए जैसे प्रयोग के लिए साला प्रयोगशाला आ जाएगा, प्रयोगशाला ये संप्रदान, जैसे विद्यालय के लिए बच्चे विद्यार्थी ये मतलब उसके आ जाएंगे सत्पुरुषवास में। तो जो बारी आती है कर्म तत्पुरुष यानी सॉरी कर्म धारी श्वास नंबर तीन पर, तो हम क्या कहेंगे कि इसमें उत्तर पद प्रदान होता है, उत्तर पद प्रथम पद उत्तर पद उत्तर पद, जैसे इसमें क्या हम पहचानेंगे पूर्व पद उत्तर पद में उपमान में विशेषण विशेष ये प्रमुख होते हैं। तो जैसे आप उदाहरण से समझेंगे चंद्र मुख चंद्र के समान मुख, प्राण के समान क्रिया प्राण क्रिया, ये मतलब कर्म की प्रधानता है, ये इसके उदाहरण है। जैसे हम चलते हैं नंबर चार पर द्वी को श्वास, तो द्वी को श्वास के मुख्य सर्वभाषा हम कह सकते हैं गिनती या संख्यावाचक, जैसे पूर्व पद संख्यावाचक होता है संख्याएं इसके अंदर गिनती के जो हमारे आते हैं इसमें, जैसे सप्ताह है सात वारों का समूह सप्ताह बोलते हैं, चार राहों का समूह चौराहा, सात सबसे दो सात मतलब नदियों का स्थान ये हम कह सकते हैं सबसे दो मतलब ये उसमें आते हैं गिनती के हिसाब से। तो जैसे फिर हम चलते हैं द्वंद्व समास, द्वंद्व समास को क्या होता है कि दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रथम पद उत्तर पद, लेकिन जब हम विग्रह करते हैं तो उनमें कुछ संकेत होते हैं जैसे पता लगता अथवा आ जाएगा या ये सब हो जाएंगे, जैसे माता पिता है सुख दुख है, सुख दुख माता पिता लाभ हानि गुण दोष ये मतलब इसमें बड़ा साधारण है। नंबर छह प्रातिमादी बहु विश्वास, तो इसमें क्या होता है कि कोई पद प्रधान नहीं होता मतलब प्रणाम प्रथम पद न उत्तर पद, लेकिन दोनों मिलकर क्या करते हैं तीसरे पद का संकेत करते हैं यानी कि तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। तो जैसे पंकज बोला मैं पंकज पंत में पैदा हो मतलब प्रणाम पंकज आ जाएगा। तो जैसे वो आपके सामने रखते हैं नीलकंठ नीला है कंठ किसका शिव शिव भगवान, तो क्या हुआ कि ये मतलब इसमें आ जाते बहुत विश्वास में, तो तीसरे पद की प्रधानता। ये आशा है कि आपको सभी को समझ में आ गया होगा, अगर आपको कुछ पूछना हो तो इसके बारे में आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आज का हमारा व्याकरण का विषय है समास। जय हिंद।